एवरीवन, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर का ये पार्ट टू वीडियो है। क्या है चैप्टर? अम्ल, क्षारक एवं लवण, मींस एसिड बेस एंड साल्ट। ये जो वीडियो ये पार्ट टू है, पार्ट वन जिन्होंने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो 35 है। इट मीन्स कि 34 क्वेश्चन तक इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं, इस वीडियो में 35 क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है 35। निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? ऑप्शन है H2SO4, HCl, HNO3, सभी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? ऑप्शन है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कैथोड जो रहता है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से मुक्त होता है विद्युत अपघटन में? तो एनोड से होता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक जो रहता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? तो आप लोग को पता होना चाहिए, NaCl होता है। इट मीन्स कि इसका आंसर जो हो जाएगा NaCl, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन है? ऑप्शन है HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH। तो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CH3COOH जो है सो दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है? क्या हो जाएगा इसका पीएच? ऑप्शन है 7, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेद करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है CaSCO3 का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, NaOH, NaSCO3 का होल ट्वाइस। तो क्या हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? ऑप्शन है CaO, CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी है CaCO3, CA। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? बोल रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर, कच्चा चूना। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? जिप्सम हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? ऑप्शन है H+, OH-, Cl-, O2-। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर? आंसर हो जाएगा इसका OH-, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है पूछ रहा है? तो ऑप्शन है संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका एग्जांपल? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टमाटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। एक छात्र कांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु, क्या क्वेश्चन? तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? कौन सा दिखेगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन है नीला, हरा, नारंगी, पीला। तो क्या लग रहा है आपको? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरा हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है फ्रेंड्स? प्लीज़ कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्वेश्चन है, एक कांच प्रखनली में किए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग क्या हो गया? विलयन का रंग फ्रेंड्स तो परिवर्तन हो चुका है।
उस कांच परख नली में विलयन था, कौन सा था अब आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन है ZnSO4, CuSO4, FeSO4, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई थिंक CuSO4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CuSO4। नेक्स्ट है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही दार्क्षीय, तब इस विलयन का रंग होता है कैसा होता है, तो बैंगनी, ऑप्शन नंबर सी। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH होता है, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाएगा तो विलयन का pH कितना होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन है 7 से अधिक, 7, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 से कम हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है, विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र कितना होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए ये क्या होता है, CaOCl2 हो जाएगा इसका अनुसूत्र, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, कौन सा अवलोकन सत्य है एसिटिक अम्ल के बारे में, ऑप्शन है यह सिरका सी गंध देता है, यह प्याज से गंध देता है, यह सड़े अंडे सी गंध देता है, यह सरे मांस सी गंध देता है, तो क्या हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा जो एसिटिक अम्ल रहता है वो सिरका सी गंध देता है, तो ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी की दुधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा, ऑप्शन ए NaCl, HCl, LiCl, KCl, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर, आंसर इसका हो जाएगा HCl, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है, यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर, अगर HCl कितना है 8 ml है और NaOH 10 ml है, उसी विलयन का 20 ml लें तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर क्या है फ्रेंड्स, मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या मिश्र धातु है, तो क्या हो जाएगा बेकिंग पाउडर, मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ए। निमांकित में कौन एक अमल है, ऑप्शन दिया हुआ है चार एग्जांपल, इसमें से कौन सा एक अमल है पूछ रहा है, तो ऑप्शन है CaO, KOH, HCl, Na2O, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा HCl एक अमल है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा शरीर pH मान के किस परिसर में सही से कार्य करता है, ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन है 2 से 3, 5 से 7, 7.0 से 7.8, 9.0 से 9.5, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हमारी जो बॉडी का pH मान जो रहता है वो सही तरीके से काम कब करता है, 7.0 से 7.8 pH तक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका pH सबसे अधिक क्षारित श्रेणी में होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन है दूध का, आंसू का, पसीने का, पित्त का, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसके करीब होगा, ऑप्शन क्या क्या है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन है 0 यानी कि 0, 7, 2, 9, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7। निमांकित में कौन भस्म नहीं है, क्वेश्चन नंबर 58 है, निमांकित में कौन भस्म नहीं है, तो ऑप्शन है KOH, KNO, ALOH का होल थ्राइस, NaCl, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन जो है सो भस्म नहीं है, NaCl, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निमांकित में कौन लवण है, निमांकित जो दिया हुआ है यानी कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन जो है सो लवण है, तो ऑप्शन है HCl, NaCl, NaOH, KOH, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लवण, तो लवण जो है सो NaCl होगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है, निमांकित में कौन एक अमल है? निमांकित जो दिया हुआ है इसमें से कौन एक अमल है? ऑप्शन है Na2O, CaOH का होल ट्वाइस, CuO, HNO3। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर? HNO3 जो है सो एक अमल है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाती हैं? जो जल में घुलनशील भस्म रहते हैं वो क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? तो वो क्षार कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, निमांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? ऑप्शन है CO2, Na2O, SO2, P2O5। तो आंसर हो जाएगा इसका Na2O, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? कौन सा जो है सो हाइड्रोनियम आयन हो? ऑप्शन है H3O+, H3O-, OH-, OH+। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स H3O+, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH होता है, उदासीन विलयन जो रहता है उसका pH कितना होता है? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो उदासीन विलयन का pH कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर बी, यानी कि 7 हो जाएगा उदासीन विलयन का pH। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित कौन धातु HCl या NaOH विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुफ्त करता है? ऑप्शन है FeZnSnMg। तो पूछा है कि कौन सा धातु जो है सो HCl या NaOH विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुफ्त करता है? कौन सा हाइड्रोजन गैस मुफ्त करता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, आंसर क्या हो जाएगा? Zn, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, एक जलीय विलयन का pH मान 3 है तो इसका pOH मान निम्नलिखित में क्या होगा? तो pH मान जो है सो 3 है, तो pOH मान कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने बनाए गए विलयन अमल तथा क्षार की उपस्थिति को दर्शाने में सक्षम नहीं होता है? ऑप्शन है हल्दी, गेंदा फूल, चुकंदर, लाल गोभी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, क्वेश्चन नंबर कितना है तो 67 है, 67 का आंसर हो जाएगा गेंदा फूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलयन का pH निम्नलिखित में क्या होगा? क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एक विलयन नीले लिटमस को जब लाल करेगा तो उसका pH क्या हो जाएगा? उसका pH 7 से कम होगा। तो 7 से कम फ्रेंड्स आंसर में, ऑप्शन में क्या दिया हुआ? तो 6 दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ऑप्शन क्या क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन है सल्फ्यूरस अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर? आंसर हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से जो है सो पानी से अभिक्रिया करेगा तो कार्बोनिक अम्ल बनाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन है CaSO4.2H2O, CaSO4.H2O, CaSO4 का होल ट्वाइस, H2O, CaSO4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जलीय विलयन में किसका pH मान अधिकतम होगा? ऑप्शन है NaCl का, Na2CO3 का, Na4Cl का, NaSCO3 का। तो किसका जो है सो मान जो है सो pH मान अधिकतम होगा? Na2CO3 का, यानी ऑप्शन नंबर बी का। तो फ्रेंड्स यही था आज की वीडियो, आज हम लोग 71 क्वेश्चन तक देखें, कितना नंबर से देखे फ्रेंड्स को, तो 35 से जो है 71 तक देखे। अब ये पार्ट टू वीडियो थी, अब पार्ट थ्री एक आएगी इस चैप्टर की, तब जो है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखो आप लोग,
और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो क्वेश्चन की, ताकि आप लोग इजिली एग्ज़ाम में सॉल्व कर सको आंसर को और आप अच्छा नंबर ला सको। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।